भटिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग में चार जवानों की हत्या का खुलासा हो गया है। 17 अप्रैल को हत्या में शामिल आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना और पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। सेना के जवान देसाई मोहन ने ही इंसास राइफल से चारों जवानों की हत्या की थी। 9 अप्रैल की रात क्या हुआ ये आरोपी ने खुद कबूलनामे में बताया। उसने बताया कि 9 अप्रैल 2023 की सुबह उसने भरी हुई मैगजीन के साथ इंसेंस राइफल चुरा ली थी। इसके बाद उसने हथियार को छुपा दिया। 12 अप्रैल की सुबह वो सेंट्री की ड्यूटी पर तैनात था। सुबह के लगभग 4:30 बजे उसने छिपाए हुए हथियार को निकाला। इसे लेकर वो पहली मंजिल पर गया और वहां सो रहे सभी चार जवानों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने हथियार को सीवेज के गड्ढे में फेंक दिया। बाद में हथियार और अतिरिक्त गोलियों को सीवेज से बरामद कर लिया गया। सभी जवान एक ही यूनिट के हैं। देसाई मोहन के चारों के साथ पर्सनल इश्यूज थे। हत्या के बाद देसाई ने फर्जी कहानी बनाकर गुमराह करने की कोशिश भी की थी। आरोपी आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और 2019 में भर्ती हुआ था। शख्स अभी पुलिस हिरासत में है और आगे की जानकारी का पता लगाया जा रहा है। बयान में एक बार फिर से आतंकी साजिश की आशंका से इनकार कर दिया गया है। घटना के दिन भी सेना ने आतंकी एंगल से इनकार कर दिया था। आरोपी जवान की निशानदेह पर 8 कारतूस भी बरामद किए गए। सेना ने कहा कि अब वो अनुशासनहीनता के ऐसे कृतज्ञों को बर्दाश्त नहीं करती है और दोषियों को कानून के हिसाब से सजा भी दी जाएगी। सेना ने बताया कि जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसी हर संभव मदद कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए बीबी लाइव।